सो रियलमी की जो प्लान्स है 2020 के लिए बहुत ही एग्रेसिव है और बाकी सारी कंपनीज़ को अभी से समझ जाना चाहिए और अपना R&D और अपनी जो फ़ोन्स को जो लॉन्च करने जा रहे हैं उसके ऊपर काफ़ी तगड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रियलमी ने अपनी कमर कस ली है जब से ये फ़ोन लॉन्च हुआ है। इनफैक्ट ये जो ब्रांड लॉन्च हुआ है ये बेसिकली एक ओप्पो का सब ब्रांड है और साल 2019 रियलमी के लिए बहुत तगड़ा रहा है। इस फ़ोन ने या इस ब्रांड ने इंडिया के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड का टैग ले लिया है और ये फ़ोन जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है शायद हो सकता है कि अगले एक साल के अंदर या फिर ये 2020 के अंदर इंडिया का नंबर 2 या नंबर 1 ब्रांड सेलिंग बन सकता है, क्योंकि ये ब्रांड डिजर्व भी करता है। इस ब्रांड की जो आगे की जो स्ट्रैटेजी है ऐसा माना जा रहा है कि एक फिटनेस ट्रैकर जो कि एक बजट में रहेगा शाओमी के मी बैंड 4 और 3i को काफ़ी तगड़ा टक्कर देगा और एक ऐसा फ़ोन भी ये लॉन्च करने वाले हैं जिसके अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का सैमसंग वाला सेंसर मिलेगा, जो ठीक वही सेंसर जो शाओमी का एक और फ़ोन है मी नोट 10 प्रो उसके अंदर वो सेंसर आपको देखने को मिला था, जो बनाता है उसको दुनिया का दूसरा सबसे बढ़िया स्मार्टफोन फोटोग्राफी के लिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि रियलमी 2020 के अंदर क्या क्या कमाल करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं वीर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस फ्रेश कमाल एपिसोड के अंदर और आप देख रहे हैं चेक न्यूज़। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रेडमी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है रियलमी, क्योंकि बहुत तगड़ी टक्कर दे रहा है। हालांकि जब Xiaomi या Redmi इंडिया के अंदर आए थे तो बहुत सारे ब्रांड्स को उन्होंने बहुत तगड़ी टक्कर दी थी, बहुत कम मार्जिन के अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स दिए थे, हमें वो वक्त भूलना नहीं चाहिए। लेकिन काफ़ी बार कंज्यूमर के भी प्राइस एक्सपेक्टेशन से कम कीमत पर ये सामान को बेच देते हैं, लाइक Realme इस चीज़ में उस्ताद है। अभी रिसेंटली उन्होंने Realme ईयरबड्स लॉन्च किए थे जो एप्पल के जैसे AirPods जैसे दिखते थे, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखी है, उसके ऊपर आई बटन पर जाके आप चेकआउट करना चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। मतलब सिर्फ 4000 रुपये में आपको ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स आपको मिल रहे हैं, एप्पल के वहीं 11-12-13 हज़ार तक मिल रहे हैं, ओप्पो के 7-8 हज़ार रुपये के आसपास मिल रहे हैं। तो इट्स बेटर यार, ऑलवेज बेटर, दीज थिंग्स क्रिएट गुड कॉम्पिटिशन इन द मार्केट एंड लोगों को सस्ते में सामान मिल जाता है। साल 2020 के अंदर रियलमी की स्ट्रैटेजी है कि इंडिया का लार्जेस्ट टेक लाइफस्टाइल ब्रांड बनने की आखिर उन्होंने सपना देखा है। दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी बताती हैं कि रियलमी 2020 के फर्स्ट हाफ में एक ऐसा बजट फिटनेस ट्रैकर लाएगा जो काफ़ी हद तक सिमिलर होगा Xiaomi के जैसे और उससे अच्छी प्राइस और उससे अच्छे फीचर्स के साथ वो आएगा। और दोस्तों रियलमी के और भी काफ़ी सारे प्लान्स हैं, काफ़ी सारे फ्लैगशिप फ़ोन्स बनाने के भी प्लान्स हैं और साथ में एक ऐसा फ़ोन जिसके अंदर आपको 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा। ये ठीक वही सेंसर है सैमसंग वाला ISO Cellebrite HMX इमेज सेंसर। ये सेंसर आपको Xiaomi का एक और फ़ोन है मी नोट 10 प्रो जिसके अंदर देखने को मिला था। हालांकि दोस्तों ये फ़ोन यूरोप के अंदर मी नोट CZ9 प्रो के नाम से जाना जाता है, इंडिया के अंदर जब भी आएगा तो मी नोट 10 या मी नोट 10 प्रो के आसपास ही आ सकता है। और अब बारी रियलमी की है असली ताकत दिखाने की, 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा फ़ोन दुनिया के सामने लाने की। दोस्तों आगे तो वक्त बताएगा कि होता क्या है रियलमी आगे जाता है या फिर रेडमी स्टिल इंडिया का नंबर 1 ब्रांड कायम रहता है इन टर्म्स ऑफ सेलिंग ऑफ स्मार्टफोन्स। तो दोस्तों ये था अपना वीडियो जिसके मैं आपको बताया कि रियलमी का 2020 के अंदर क्या प्लान्स हैं और किस किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से फिटनेस ट्रैकर्स वो लॉन्च करने वाले हैं और उनका टारगेट इस बार 2020 के अंदर क्या है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और भी वीडियो देख लीजिए चैनल पे, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस करके इसको ग्रे नहीं किया है वो भी कर दीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों मैं एक नोटिफिकेशन देना चाहूँगा कि मेरे मदरबोर्ड के साथ कुछ इशू हो रहा है, बार बार PC क्रैश कर रहा है, तो शायद हो सकता है कि वीडियोज़ थोड़े से इरेगुलर हों। कोशिश करूँगा कि मैं वीडियोज़ को पहले शूट करके अपलोड कर दूँगा उसके बाद अपने मदरबोर्ड को भेजूँ ठीक होने के लिए, लेकिन अगर कुछ पंगा होता है तो रियली सॉरी, थोड़ा बहुत बेयर कर लेना। उस केस में आपको वीडियोस ऑल्टरनेट डे देखने को मिलेगी या फिर 2 दिन में एक बार, थोड़ा सा बेयर कर लेना और ऐसे ही प्यार फैलाते रहना। और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर दीजिए और थोड़ा बहुत वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।